हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कि किसी हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कंप्यूटर के अंदर एक एसेंशियल चीज है दोस्तों, स्टोरेज। यहाँ पर स्टोरेज के अंदर हम अलग अलग चीजों को यूज करते हैं, जैसे कि एसएसडी या फिर हमारा हार्ड ड्राइव, या फिर अगर मैं कुछ समय जमाने पहले की बात करूं तो वहां पे आपको हार्ड ड्राइव वहां पे मिलता था, तब एसएसडी नहीं था। तो वहां पे हार्ड ड्राइव के अंदर दो ऑप्शन मिलता था, एक है दोस्तों पाटा और दूसरा दोस्तों साटा। अब दोस्तों यहाँ पे पाटा और साटा तो था, अब यहाँ पे एक और चीज दोस्तों यूज होता है, रिसेंटली तो मैं नहीं कहूंगा, कुछ दिनों पहले से यूज हो रहा है, मतलब कुछ समय पहले से यूज हो रहा है। इसका नाम है दोस्तों SAS, मतलब सास। इसका फुल फॉर्म है सीरियल अटैच स्काजी। अब दोस्तों यहाँ पे इसका मतलब क्या है और ये क्यों यूज होता है और ये कहाँ पे यूज होता है, आज इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं SAS मतलब सीरियल अटैच स्काजी की, तो ये दोस्तों हार्ड डिस्क का ही एक, आप कह सकते हो, एक कनेक्टर है, एक अलग टाइप का कनेक्टर है। बिल्कुल आसान भाषा में ये एक अलग टाइप का कनेक्टर है। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं इसकी स्पीड की बात करूं तो ये साटा से काफी ज्यादा स्पीड अचीव कर सकता है। इसके पीछे जो मेन कारण है वो है कि अगर मैं साटा की बात करूं तो साटा जो डेटा ट्रांसमिट करता है वो एक ही चैनल को यूज करता है डेटा ट्रांसमिट करने के लिए, कि जो चैनल से डेटा रिसीव हो रहा है उसी चैनल से डेटा जो है भेजा जा रहा है। अब यहाँ पे जो SAS की मैं बात करूं तो यहाँ पे दो चैनल यूज होता है, एक होता है दोस्तों भेजने के लिए, दूसरा होता है दोस्तों रिसीव करने के लिए, राइट। अब इसकी वजह से यहाँ पे जो है स्पीड ज्यादा आपको मिलता है। और भी यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप का डिफरेंस है, जैसे कि दोस्तों अगर मैं यहाँ पे एक साटा ड्राइव की बात करूं तो यहाँ पे आपको करीब करीब 4000 से 5000 आरपीएम के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसका जो स्पीड है अंदर, जो साटा हार्ड ड्राइव के अंदर जो डिस्क घूम रहा है वो वहां पे 4000 से 5000 आरपीएम के देखने को मिल जाता है। पर यहाँ पे अगर मैं SAS ड्राइव की बात करूं तो यहाँ पे आपको 15000 आरपीएम मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा है। अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो यहाँ पे माना जाता है कि जितना हाई स्पीड होगा उस डिस्क का, जितना तेजी से वो घूमेगा उतना ही आप जो है स्पीड ज्यादा अचीव कर सकते हो। तो यही दोस्तों होता है यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे और भी बेनिफिट्स है, जैसे कि अगर मैं बात करूं इसका रिलायबिलिटी की, तो रिलायबिलिटी इसका काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू साटा। अगर मैं साटा की बात करूं तो यहाँ पे आप 7 लाख आवर्स तक 25 डिग्री सेल्सियस के अंदर आप इसे चला सकते हो, मतलब 7 लाख आवर्स तक आप इसे यूज कर सकते हो। 7 लाख से करीब करीब 1.2 मिलियन आवर्स तक आप इसे यूज कर सकते हो। इससे ज्यादा एक साटा ड्राइव नहीं चलेगा, वो खराब हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं, जो SAS ड्राइव की मैं बात करूं, तो ये दोस्तों काफी ज्यादा दिन तक चल सकता है, काफी ज्यादा आवर्स इसका लॉन्गजीविटी है। ये करीब करीब 1.2 मिलियन आवर्स से 1.6 मिलियन आवर्स तक ये चल सकता है। और दोस्तों अगर मैं इसकी, मतलब ये कितनी टेम्परेचर में काम करेगा वो है दोस्तों 45 डिग्री सेल्सियस, वहां पे था दोस्तों 25 डिग्री सेल्सियस। अगर आप टेम्परेचर को ज्यादा डाउन करने की कोशिश करोगे तो वहां पे आपको पावर कंजम्पशन बढ़ेगा, पर यहाँ पे दोस्तों जो टेम्परेचर है वो काफी ठीक ठाक है टेम्परेचर है। एक सर्वर रूम जो है वो काफी ज्यादा गर्म होता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे टेम्परेचर को एक ठीक ठाक टेम्परेचर कह रहा हूं। यहाँ पे दोस्तों 46 डिग्री, मतलब 45 to 46 डिग्री के अंदर आप यहाँ पे 1.2 मिलियन आवर्स से 1.6 मिलियन आवर्स तक आप इसे चला सकते हो। तो यहाँ पे ये दोस्तों काफी ज्यादा रिलायबल होता है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं स्पीड की बात कर लेता हूँ। अगर मैं दोस्तों बिल्कुल मॉडर्न साटा ड्राइव की बात करूं, जो है दोस्तों साटा 3, अगर मैं साटा 3 की बात करूं तो यहाँ पे आप जो मैक्सिमम स्पीड अचीव कर सकते हो वो है दोस्तों 6 गीगाबिट्स पर सेकेंड। अब दोस्तों अगर मैं मॉडर्न SAS की बात करूं तो यहाँ पे आप जो मैक्सिमम स्पीड अचीव कर सकते हो वो है दोस्तों 12 गीगाबिट्स पर सेकेंड, जो कि काफी एक अच्छा हाई स्पीड माना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर ज्यादा यूजर उसे यूज करेगा तो उसको हार्ड ड्राइव को ज्यादा स्पीड की जरूरत है, तो इसीलिए यहाँ पे 12 गीगाबिट्स पर सेकेंड का एक एक SAS होता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कि यहाँ पे और क्या क्या बेनिफिट है। अगर मैं यहाँ पे केबल लेंथ की बात करूं तो साटा के अंदर आपको सिर्फ 1 मीटर की केबल लेंथ ही आप यूज कर सकते हो, पर दोस्तों यहाँ पे अगर मैं SAS की बात करूं तो यहाँ पे आप जो है 10 मीटर तक केबल लेंथ यूज कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हम यहाँ पे SAS और साटा को कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं साटा की बात करूं तो ये आपको पता है कि साटा जो है हम हमारे नॉर्मल पीसी में लगाते हैं, जो पर्सनल कंप्यूटर होता है वहां पे लगाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे
एस से एस की बात करूं तो ये दोस्तों यूज होता है मेनली सर्वर्स के अंदर, क्योंकि वहां पे ज्यादा स्पीड की जरूरत है, केबल लेंथ ज्यादा चाहिए, ज्यादा टेम्परेचर भी वहां पे होता है और दोस्तों ये ज्यादा रिलायबल भी है, इसीलिए यहाँ पे यूज किया जाता है एस ए एस को। मैंने यहाँ पे आपको कुछ बेसिक्स बता दिया एस ए एस के बारे में, ये मेनली यूज होता है सर्वर्स में और इसका स्पीड काफी ज्यादा है, ये काफी दिन तक चल सकता है। और दोस्तों यहाँ पे आप डेटा की, अगर मैं डेटा स्टोरेज की बात करूँ, हाँ ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, डेटा स्टोरेज दोस्तों एसएएस में काफी ज्यादा कम होता है। यहाँ पे अगर मैं पहले मैं आपको प्राइस के बारे में बात कर लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं सिर्फ 2 TB का एसएएस लेता हूँ तो उसका प्राइस मुझे करीब करीब, मतलब एसएएस टेक्नोलॉजी के ऊपर मैं अगर बेस्ड एक हार्ड ड्राइव लेता हूँ तो उसका प्राइस करीब करीब आपको 15,000 रुपए के आसपास होगा। अगर मैं ऐसे ही 2 TB का एक नॉर्मल एक साटा हार्ड ड्राइव लेता हूं तो यहाँ पे आपको कितना प्राइस देना पड़ेगा, करीब करीब 5,000 रुपए या फिर 6,000 रुपए, मैं मैक्सिमम बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इतना ज्यादा प्राइस के अंदर भी डिफरेंस है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया इसका रीजन क्या है। और दोस्तों यहाँ पे एक और चीज होता है दोस्तों, पावर कंजम्पशन। पावर कंजम्पशन दोस्तों यहाँ पे केबल लेंथ ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे पावर कंजम्पशन भी ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा केबल लेंथ है तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे पावर कंजम्पशन भी जो है फर्क पड़ेगा अगर आप यूज करते हो एक एसएएस को। और दोस्तों यहाँ पे हर एक मदरबोर्ड जो एसएएस को सपोर्ट नहीं करता, आप पर्सनल कंप्यूटर में भी एसएएस लगा सकते हो, पर इसके लिए कुछ स्पेसिफिक मदरबोर्ड आता है तो मैं इसके बारे में अभी बात नहीं कर रहा हूँ। अभी दोस्तों मैं यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, मैंने ऑलमोस्ट सारे चीजों को कवर कर दिया है, बस यही थी इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो का पसंद आया होगा, अगर दोस्तों वीडियो पसंद है जरूर एक लाइक कीजिए, उसी के साथ दोस्तों वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आपका कोई सवाल रह गया हो ऐसे एस टेक्नोलॉजी और साटा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तो मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। अगर दोस्तों आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके पास जो घंटी का आइकॉन है उसे भी जरूर दबा दीजिएगा, इससे ये होगा ताकि जहां मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन जो है मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को समाप्त करता हूँ, देखने के लिए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।